हाउ आर यू। उम्मीद है बेटा आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ए है और टॉपिक है द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने इसके 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 9 क्वेश्चन है बेटा, हु परफॉर्म डिफरेंट रोल्स ऑन स्टेज एंड रिसीव अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस, यानी कि किन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया और ऑडियंस से हाजरीन से दाद वसूल की। आंसर इज मैनी लिटिल चिल्ड्रन परफॉर्म डिफरेंट रोल्स ऑन द स्टेज एंड रिसीव अप्लॉज, यानी कि बहुत से छोटे बच्चों ने स्टेज पर परफॉर्म किया और उन्होंने हाजरीन से दाद वसूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट प्राइज डिड द राइटर गेट एंड व्हाट फॉर, यानी कि राइटर ने कौन सा प्राइस हासिल किया और क्यों हासिल किया। उसका आंसर है द राइटर हैड टू फर्स्ट इन क्लास 9 सो ही गॉट अ गोल्डन ट्रॉफी, यानी कि राइटर क्लास 9 में फर्स्ट आया था इसलिए उसको गोल्डन ट्रॉफी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से इन द एंड, प्रिंसिपल साहब ने फंक्शन के एंड पर क्या कहा। आंसर है ही इनकरेज द लूजर एंड सेड वर्क हार्डर एंड यू विल बी द नेक्स्ट विनर, उन्होंने कहा जो लूजर थे उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें कहा कि अगर आप मेहनत करोगे तो नेक्स्ट आप लोग जो विनर होंगे वो आप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड द फंक्शन एंड, यानी कि तकरीब कब खत्म हुई। आंसर इज द फंक्शन एंडेड 2:30, तकरीब जो थी वो 2:30 बजे खत्म हो गई। बेटा ये आज आप लोगों का लेक्चर था, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने इसको नोटबुक पे राइट कर लेना है और अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।